इस वक्त जबकि हम मल्टीपल मीम कॉइन्स और कुछ और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर नज़र आए बैठे हैं, मगर किसी की भी नज़र इस वक्त में बेस कॉइन्स के ऊपर नहीं है। एंड आई बिलीव बुल रन में बेस इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन्स हैं हमें बड़ा मोटा तगड़ा प्रॉफिट बनाकर देने वाले हैं। और अगर हम देखें मार्केट में सर्कुलेट होती हुई खबरों को, तो 2025 है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए हो सकता है कि बहुत ही यादगार साल बन जाए। मतलब ये कि यहाँ पर हमें 10x से लेकर 50x तक का भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। और जो कॉइन्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तमाम के तमाम बेस इकोसिस्टम के ऊपर हैं, जो हमें मिनिमम भी 10x से लेकर 20x 25x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा कि मैं बेस इकोसिस्टम के हवाले से इतना ज़्यादा बुलिश क्यों हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बेस है, जिसका हमने एक एयर ड्रॉप भी ज्वाइन किया था, ये एक लेयर टू ब्लॉकचेन है जो कि कॉइन बेस ने डेवलप की है। और कॉइन बेस दुनिया की एक बड़ी एक्सचेंज है और उनका मिशन है ब्रिंग द वर्ल्ड ऑन चेन टू क्रिएट अ ग्लोबल इकॉनमी दैट इंक्रीजेज इनोवेशन। इस वक्त में तमाम ब्लॉकचेन्स में बेस एक वाहिद ब्लॉकचेन है कि जिस पे अगस्त के मंथ में 15.8 मिलियन एड्रेसेस जनरेट हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं अगले सितंबर की, तो बेस ब्लॉकचेन पे डेली ट्रांजेक्शन का जो एक रिकॉर्ड बना है 4.2 मिलियन ट्रांजेक्शन के साथ, जो कि इथेरियम से भी 4 गुना ज़्यादा ये जो अमाउंट है बनती है इन ट्रांजेक्शन की। और अगर लेयर टू चेन्स में हम बात करते हैं, तो टोटल वैल्यू लॉक में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बेस जो है ये नंबर वन पे आता है। और इन तमाम फैक्टर्स के अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे बेस इकोसिस्टम के लिए बुलिश करती है, तो है बेस का कॉइन बेस के साथ में अटैच होना, क्योंकि ये कॉइन बेस एक्सचेंज की प्रोजेक्ट है। और कॉइन बेस ही वाहिद वो एक्सचेंज है जो कि 90% BTC ETF एसेट्स को अपनी कस्टडी में रखती है। और यही रीज़न है कि कॉइन बेस बुल सीजन में भाई एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफिट बनाने वाली है, और उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है हमें बेस इकोसिस्टम में रीइन्वेस्ट होती हुई नज़र आने वाली है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई आखिर वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके कुछ मोटा तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मगर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अगर आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो बढ़ते हैं हम आज अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ, मगर उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा ये एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है कि जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ जहाँ पे हमें 10x से लेकर 20x तक का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है। और किन प्रोजेक्ट्स को आप लोगों को किन किन प्राइसेस पे आकर बाय करना है, किन किन प्राइसेस पे आकर सेल करना है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को मल्टीपल ऐसी वीडियोज़ मिलती हैं जो कि आप लोगों को एजुकेट कर सकती हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती हैं, ऑटो ब्लॉक क्या होता है, FOMC इंटरेस्ट रेट क्या होती हैं, मार्केट के ऊपर कैसे अपना असर डालते हैं, बाइनेंस पे लिस्ट होने वाले कॉइन्स का हमें कैसे पता चलता है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बहरहाल हम आती हैं भी आज अपनी वीडियो के पहले प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये है एरोड्रोम, जो कि हमें स्वैप की फैसिलिटी देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। अगर हम मेन इसकी बात करें तो ये बेसिकली बेस ब्लॉकचेन के ऊपर एक लिक्विडिटी हब के तौर पर काम करता है। और इन्हीं का एक और प्रोजेक्ट है वेलोड्रोम के नेम से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वेलोड्रोम इनका प्रोजेक्ट है। अब ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ है ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें, इनका एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि हमें स्वैप और लिक्विडिटी की यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। तो ये आप इनका जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अगर देख सकते हैं, वॉलेट को कनेक्ट करके आप इसे पैनकेक स्वैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त में इसकी प्राइस $1 से कुछ ऊपर है, मगर अभी मैं आप लोगों को इसे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये 0.5 तक आ सकता है। और इसकी जो भी प्रेडिक्शन होगी, इसे आप लोगों ने कब बाय करना है, उसकी जो अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लें। अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की, तो 733 मिलियन मार्केट कैप है, 24 आवर्स का वॉल्यूम 38 मिलियन है। और ये टोकन जो है आप लोगों को बिटकैट एक्सचेंज के ऊपर और बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर मिल जाता है। दोनों के जो लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, तो इसका नेम है सीमलेस प्रोटोकॉल। इसकी प्राइस भी $1 से कुछ ऊपर है। अगर हम इस टोकन के हवाले से थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो ये बेसिकली आप लोगों को लैंड और बॉर्विंग की फैसिलिटी देता है, जैसा कि इनके वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर मैंशन भी किया गया है। हमारे पास यहाँ पर इनका ये प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट को कनेक्ट करने पर लैंड, बारो, स्वैप, ब्रिज, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं आप लोग यहाँ से अवेल कर सकते हैं। 29 मिलियन की इसने इस वक्त में मार्केट कैप बनाई हुई है। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो है $496,000। ये टोकन भी आप लोगों को बिटगेट और बिंगेक एक्सचेंज पे मिल जाता है। दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मगर क्या इस टोकन को अभी बाय करना मुनासिब रहेगा? तो मेरे ख्याल से हम इसे अभी बाय कर सकते हैं।
और अगर इससे भी ज़्यादा ये नीचे जाता है किस प्राइस पे बाय करना है तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। आज की वीडियो का जो थर्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये अभी ईथ एक्स वाई के नेम से और इस टोकन को सेक्सी के नेम से भी जाना जाता है। 25 सेंट के ऊपर ये टोकन जो है इस वक्त में ट्रेड हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक गेमिंग प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को खुद की गेम भी देता है और आप लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आकर मल्टीपल जो गेम्स हैं उसे भी डेवलप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की तो यह है जस्ट 25 मिलियन। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम वो है 1,34,000। यहाँ पर जो बाइंग है थोड़ी सी रिस्की हो सकती है मगर यह है कि यहाँ पर हमें एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी बाइंग बनाएं तो कम अमाउंट की बनाएं, हो सकता है ये यहाँ से दोबारा से डिप में जाए क्योंकि एक बार पंप लगने से पहले तमाम क्रिप्टोज में एक डिप आना जो है वह एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग इसे यहाँ पर थोड़ा सा जो है बाई कर सकते हैं और फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहेंगे, मैं वहाँ पे आप लोगों को इसकी जो बाइंग का बताता रहूँगा। MEX एक्सचेंज पे भी बाय कर सकते हैं, एरोड्रोम पे भी इसे आप लोग बाय कर सकते हैं। अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है तो लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये है एलियन बेस जो कि 0.07 पे ट्रेड हो रहा है मगर अभी मैं आप लोगों को इसकी बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। एन मुमकिन है कि हमें यहाँ पर डिप मिले और यहाँ पर प्राइस बन सकता है 0.025। एक बार फिर से कहूंगा कि जिस भी क्रिप्टो को जिस भी प्राइस पर बाय करना है उसकी अपडेट मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा। अब अगर आप लोग यहां पे देखो इसकी जो मार्केट कैप है जस्ट 8 मिलियन है, क्योंकि थोड़ा देखें तो अच्छा हो सकता है कि यार हाँ ये एक लो मार्केट कैप जेम है मगर यहाँ पर थोड़ा बैड क्या है कि इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो $153,000 है, ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। मगर एक चीज़ इसे स्ट्रॉन्ग करती है वो क्या है कि इनका खुद का एक डेक्स है जहाँ पे आपको स्वैप की फैसिलिटी मिलती है, फॉर्मिंग की फैसिलिटी मिलती है और ब्रिज की फैसिलिटी मिलती है। सेम आप लोग इसे भी पैनकेक स्वैप की तरह जो है आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आते हैं हम इनके वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे अब तक जितना इनका वैल्यू लॉक हुआ है टोटल वो है 31.9 मिलियन। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है 2.3 मिलियन, मार्केट कैप यहाँ पर 8 मिलियन। तो मेरे ख्याल से ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी बुल रन में हमें एक अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे सकता है मगर अभी आप लोगों ने बाय नहीं करना है, आप लोगों ने डिप का वेट करना है। डिप आएगी इसकी तकरीबन 0.025 तक। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को इसके लिए अपडेट करता रहूँगा। आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है भाई डीजेन जो कि इस वक्त में 0.0075 पे ट्रेड हो रहा है। जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये तमाम के तमाम बेस चेन के ऊपर डिज़ाइन हुए हुए हैं और जो डीजेन है इनके खुद की एक चेन भी है जहाँ पर आप लोगों को 10 मिलियन ट्रांजेक्शन का बताया गया है। उसके अलावा जो चीज़ इसे वजीद स्ट्रॉन्ग करती है तो वो ये है कि ये टोकन इस वक्त में कॉइनबेस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है और जितने भी अब तक मैंने आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बताए हैं उनमें मेरे ख्याल से इस क्रिप्टो टोकन की प्राइस जो है सबसे कम है। मार्केट कैप देखें बेहतर है 129 मिलियन, 24 आवर्स का वॉल्यूम भी बेहतर है 16 मिलियन और इस वक्त अगर इसकी बाइंग रेंज देखें तो ये भी बेहतर बन रही है। तो 6 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताई, आपको इसमें से कौन सा पसंद है कौन सा पसंद नहीं है हमें कमेंट में लाजमी बताएं। किस क्रिप्टो कॉइन को किस प्राइस के ऊपर आकर बाय करना है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है हमें मैसेज करके बताएं सो दैट हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।